अग्रेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मैं आपसे आज फिर एक इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन चर्चा का विषय स्टार्ट करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं अगर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट कर लें तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मित्रों अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तो दोस्तों में शेयर करेंगे तो और दोस्तों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मतलब मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा पाऊंगा, अन्यथा फिर मेरा उत्साह डाई आउट हो जाएगा। क्यों, मैं कोई प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं मेरा शौक है, जानता हूँ कुछ तो मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मेरा काम, मैं तो अब रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरा तो काम प्रोफेसर रहा न्यूक्लियर का, तो मैं इस काम में मेरा हॉबी है, मेरा शौक है। और साइंटिफिक तरह से मैं चूँकि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी किया, बहुत से पीएचडी कराए तो उस तरह से मेरा साइंटिफिक अप्रोच है और मैं इसलिए थोड़ा बहुत जो कुछ जानता हूँ उससे आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं कोई वित्तीय पैसा नहीं कमाता इससे। हाँ लोग पूछते हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ एक आध सवाल को, और ज़्यादा सवाल भी या ज़्यादा धर्मपत्र वगैरह तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको फिर मैं अवॉइड करता हूँ, और कोई ज़्यादा पीछे पड़ता है तो फिर उसके चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन अभी एक प्रश्न पूछने का कोई चार्ज नहीं, तो आप जाते जाते कमेंट में कुछ भी लिखिए, कुछ पूछना है आपको तो आप जन्मपत्री का डिटेल, आपका जन्मदिन, पैदाइश की तारीख और समय और स्थान सब बताइएगा तभी कुछ आंसर मिल सकता है। तो मित्रों जाते जाते आप कमेंट में कुछ लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो आप कम से कम श्री महागणेश आय नमः लिखिए तो भगवान गणेश आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। ओम हम हनुमते नमः लिखिए, भगवान हनुमान आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, ईश्वर की आप कृपा रहेगी। तो मित्रों शेयर करें, कमेंट लिखें। लेकिन एक बात बता दूं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मैंने कहा है 50-50% है, ये बात है 50% चंद्र राशि के आधार पर और 50 बल्कि 60-40 लगन के आधार पर, 40 चंद्र राशि के आधार पर। तो आप चंद्र राशि पता है तो उससे देख सकते हैं, कम से कम 40-50% तो आपकी बात सही निकलेगी। और लग्न में देखते हैं तो लग्न से देखिए, वही लग्न आपकी मेष लग्न रहेगा तो उस लग्न को देखिए वो भी सही बैठेगा। और कुछ नहीं आता आपको, आपको पता ही नहीं है कि मेरी राशि क्या है तो आप नाम राशि तो बनती है उसे देखिए, उससे भी 30-40% बात सही बैठेगी। लेकिन सन राशि से यानी सूर्य राशि जो होती है जो अक्सर अखबार में आती है डेट फला से फला तारीख सितंबर ये लिब्रा फला ये वो मत देखिए, क्योंकि शनि का एक महीने तक वही रहता है, चंद्रमा का तो 2.5 दिन में बदल जाता है तो बदल गया, और लग्न हर दिन 2 घंटे में बदलती है तो लग्न का ज़्यादा सटीक बैठता है वैसे, तो आप सूर्य राशि से कहीं मत देखिएगा। तो मित्रों मैं आज क्या बात बता रहा हूँ, मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए 4 तारीख यानी 4 जून पूर्णमासी है, पूर्णमासी का मतलब ज्येष्ठ की पूर्णमासी है, बड़ी पूर्णमासी है, तो 4 जून 2023 ज्येष्ठ पूर्णिमा है। वैसे व्रत की पूर्णिमा तो आज ही है 3 तारीख को, क्योंकि कल जो है सूर्योदय पूर्णिमा होगी तो कल दिनमान सूर्य पूर्णिमा का माना जाएगा। तो कल जो है गंगा स्नान कीजिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाइए, क्योंकि पूर्णमासी माता लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो 4 जून से माता लक्ष्मी विशेष कृपा कर रही हैं कुछ राशियों पर, भगवान विष्णु की पूजा करें आप, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का भैरव लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्णमासी का दिन तो भगवान लक्ष्मी नारायण का है, आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं, व्रत कथा करते हैं, तो 4 तारीख से आगे बड़ा अच्छा समय है, अब माता लक्ष्मी की कृपा मिल रही है। और मैं बताऊँ, देखिए ये मैं एक मेष राशि का बताया लेकिन काल पुरुष की होनी यही है, तो इसमें देखिए शुक्र जो है, शुक्र वैसे भैरव लक्ष्मी की पूजा भी शुक्रवार को होती है, संतोषी माता की होती है, माता लक्ष्मी का दिन भी शुक्रवार है, तो शुक्र जो है यहाँ पर
जहां जहां बैठे हैं कर्क राशि में है, मंगल भी साथ में है, मंगल थोड़ा नीच के होते हैं राशि में, लेकिन शुक्र की स्थिति देखें आप और शनि की स्थिति देखें और बृहस्पति की देखें, बुध की देखें, ये सब देखेंगे तो पूर्णता आपका कुंडली का फल मिल जाएगा। पर मैं अभी खाली ये बात कर रहा हूँ, आप शुक्र को शनि को इनको देखें तो इन ग्रहों की भी कृपा मिल रही है, इन्हीं कृपा से ही तो माता लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही है। तो माता लक्ष्मी जो है, मैं कहता हूँ शुक्र को आप कुछ राशियों को, मैं एक ही कुंडली से थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा वीडियो, क्यों शॉर्ट वीडियो में फिर आप शॉर्ट वीडियो को लोग आप पूरा ज़्यादा देखते हैं और इतनी सारी बात शॉर्ट वीडियो में कहना बहुत मुश्किल होता है, एक एक मिनट में कहना है। तो मैं देखिए थोड़ा लॉन्ग ही वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप सब लोग ध्यान से पढ़ सकें। तो मेष राशि का मैं पहले लेता हूँ, मेष राशि माता लक्ष्मी की स्पेशल कृपा पा रही है, ये करोड़पति राशि में से है। इसके जातक जो व्यापार जो बिजनेस में लगे हुए हैं, देखिए अब कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट कहता मैं तो करोड़पति नहीं बना, या कोई नौकरी पेशा जो कि 500,000-2,000 रुपये तनख्वाह मिलती है वो कहता, जो कर्मचारी है सफाई कर्मचारी है वो कहता मैं तो करोड़पति नहीं बना, भाई तो करोड़पति कौन बनेगा जिसमें करोड़पति बनने के यानी लक्षण लक्षण कहाँ से होंगे, बिजनेस मैन जो बिजनेस कर रहा है उसको अचानक ही लाभ मिलता है बिजनेस में तो वो उछाल आके करोड़पति बनता है, जो परमानेंट नौकरी पेशा वाला वो करोड़पति कैसे बन जाएगा, उसकी तनख्वाह फिक्स है, बहुत सुबह डीए बढ़ जाएगा उसका, बहुत सुबह जो है महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। तो करोड़पति तो वही बनता है जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है, व्यापार में इन्वॉल्व है। तो जो करोड़पति मैं शब्द कहता हूँ राशि वाला, तो मेष राशि वाले करोड़पति राशि है। कुछ लोगों को तो है जरूर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए सडन गेन होगा, उनकी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, उपयोगिता बढ़ जाएगी, तो वो करोड़पति बन सकते हैं। तो मेष राशि वाले निसंदेह माता लक्ष्मी की कृपा से करोड़पति बन रहे हैं। मेष राशि के लिए देखिए छप्पर कुछ राशियों का होगा, मैं बताऊंगा कौन सी, एक तो मेष राशि है, छप्पर फाड़ के धन आएगा मेष राशि वालों के लिए। शुक्र सुख भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र माता लक्ष्मी का दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सुख भाव में शुक्र बैठ करके सुख का धन धान्य यानी आपको मेष राशि वाले की व्यक्तियों की माता का सुख, माता को स्वास्थ्य लाभ, घर बंगला भूमि भवन गाड़ी बंगला सब कुछ देंगे। शुक्र तो सौंदर्य, शुक्र तो ऐश्वर्य देते हैं, और शुक्र की दृष्टि देखिए कर्म स्थान में भी है, तो कर्म स्थान में नई नौकरी, नया प्रमोशन, नई तरक्की, वेतन मान बढ़ना, वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में देखिए सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से इस राशि के मेष राशि के लिए, और शनि तो बैठे ही हुए 2.5 साल तक रहेंगे शनि, तो कहाँ लाभ भाव है, लाभ भाव के शनि लाभ में क्या देंगे भाई, लाभ कैसे होगा, पैसे ही तो आएगा तभी तो लाभ माना जाएगा, यानी नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में तरक्की हो, प्रमोशन हो, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले, वेतन वृद्धि हो व्यापार में बिजनेस में। और देखिए बृहस्पति भी जो है अभी यही रहेंगे, बृहस्पति तो 7 साल बढ़ते रहते हैं, तो बृहस्पति लग्न में रहेंगे तो मेष राशि के लिए लग्न में बृहस्पति, अभी राहु के साथ थे तो अप्रैल से लेकर के जब तक संघ साथ थे तब तो चांडाल दोष बना, लेकिन जो जो बृहस्पति राहु का एंगल वाइज डिग्री वाइज दूर जाएंगे तो राहु का असर नहीं रहेगा, चांडाल दोष खत्म हो जाएगा। तो बृहस्पति और 30 अक्टूबर के बाद तो बृहस्पति अकेले रह जाएंगे, क्योंकि राहु जो है पीछे यहाँ आ जाएंगे और केतु यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये विपरीत चलते हैं, बकरी गति है इनकी, तो बृहस्पति फिर तो अकेले हो जाएंगे 30 अक्टूबर से यहाँ पर, जब तक यहाँ रहेंगे फिर बाद में यहाँ धनभाव में आएंगे। तो मेष राशि के लिए तो बृहस्पति भी अभी भी जब लग्न में है और जब आगे धनभाव में आ जाएंगे तब भी जो है बृहस्पति तो माला माल करेंगे भाई, धनभाव में आएंगे बृहस्पति धन बरसाएंगे यहाँ से देखिए। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी सूर्य बुध तो यहाँ है और सूर्य जो है 15 जून को यहाँ आ जाएंगे और बुध जो है यहाँ से अभी लग्न में बुध बैठे हुए हैं बृहस्पति के पास अभी, और 7 जून को बृहस्पति बुध यहाँ आ जाएंगे, फिर 24 जून को यहाँ आ जाएंगे। तो अभी तो 7 जून को सूर्य का बुध का धन भाव में बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है, सूर्य का बुध आदित्य मेष राशि के लिए बुध आदित्य राजयोग धन भाव में बन रहा है। तो धन भाव में शुक्र बैठ करके बुध बैठ करके क्या करेंगे, बुद्धि से किए गए कामों से लाभ, जो आप जहाँ जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आपको पैसे पैसा मिलेगा। तो हर वो व्यक्ति जो अपना बुद्धि वाला काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जज है, प्रोफेसर है, पत्रकार है, यानी जहाँ जहाँ भी लेखन बुद्धि का काम चल रहा है,
तो बुद्ध तो उसको बहुत विशेष कृपा करेंगे। तो माता लक्ष्मी की या लक्ष्मी नारायण की का आशीर्वाद मिलेगा, कहाँ विशेष मिलेगा मेष राशि को। मेष राशि के जातक शुक्र की कृपा से, शनि की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से और सूर्य बुध की कृपा से इतनी सारी कृपाएं मिल रही हैं और माता लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हैं। तो माता लक्ष्मी का कल पूर्णिमा से ही, विष्णु भगवान के पूर्णिमा से ही दोनों का आपका सबको आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ राशियां जो कि करोड़पति बनेंगी, बड़ा पैसा आएगा, उनमें एक राशि तो है मेष। मेष राशि जो है करोड़पति राशियों में से है, ये मेष राशि एक पहली राशि, इसको मैं बता रहा हूँ कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाती है राशि। अब देखिए दूसरी राशि जो कि माता लक्ष्मी की या विष्णु भगवान की और सब ग्रहों की कृपा पा रही है वो कौन सी है, उसको बताऊँ मैं आपको। देखिए मेष के बाद अगली राशि में लेता हूँ कन्या। कन्या राशि का यहाँ इसी से प्रार्थना पुण्य से छठा भाव यह कन्या राशि यहाँ आ जाएगी पहला, तो छठे सफे के लिए आप यहाँ से ये जब यहाँ आ गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शुक्रदेव 11वें भाव में आ जाएंगे कन्या राशि से। तो शुक्र 11वें भाव का मतलब लाभ भाव। तो शुक्र जो है अभी यह सुख भाव में थे मेष राशि के लिए, वो तो कन्या राशि के लिए लाभ भाव में आ जाएंगे। और लाभ भाव में आगे क्या देंगे, लाभ देंगे। लाभ क्या होता है, पैसे पैसा होता है। तो शुक्र जो है कन्या राशि के लिए विशेष कृपा कर रहे हैं, विशेष लाभ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और देखिए जब छठा भाव यहाँ होगा तो 6 यहाँ पर है तो 7, 8, 9, 10, 11 शनि यहाँ होंगे। शनि का ये भी कारक स्थान है, शनि यहाँ बैठ करके शत्रुहंता शत्रु को भगाएंगे, बीमारियों को भगाएंगे। और यहाँ से विदेश भाग को देखेंगे तो विदेश व्यापार से लाभ होगा, विदेश से पैसा आएगा। तो शनि भी जो है छठे भाव में, छठा भाव शनि के लिए तीसरा भाव, छठा भाव ये कारक भाव बने जाते हैं बहुत जबरदस्त। तो यहाँ से शनि की दृष्टि देखो 1, 2, 3 यहाँ पड़ती है, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पड़ती है 10वीं, और यहाँ देखिए यहाँ पड़ती है 7वीं। तो शनि छठे भाव से 8वें को, 12वें को और 3वें को, जो सब जो है त्रिकोण में बैठे भाव या ऐसे भाव जहाँ के जो ग्रह प्रबल ग्रह जो दुष्ट टाइप के ग्रह हैं वो ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो भाई कन्या राशि के लिए खाली शुक्र ही ज्ञान में नहीं आए, शनि भी छठे में आ गए। और देखिए बुध जो है कहाँ है, बुध जो है दूसरे भाव में, अभी अभी तो पहले भाव में ही 7 को आएंगे। तो बुध जो है यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बुध तो यहाँ आएंगे, और लेकिन 7 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो 2-3 दिन बाद ही बुध जो है 7 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे, कहाँ भाग्य भाव है जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य के साथ बुध यहाँ आ जाएंगे भाग्य भाव में। तो कन्या राशि का तो भाग्य वर्धन हुआ, अरे भाग्य वर्धन हुआ तो पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा, भाग्य कहाँ जाएगा, भाग्य आसमान को जाएगा। तो भाग्य बुद्ध और सूर्य जो है भाग्य बढ़ा करके बड़ी बहन बड़ी कृपा करेंगे भाई, क्योंकि 6 जब यहाँ कन्या राशि आ गई तो 6 से 12वां यहाँ आ गया और 1 और 2 वाली राशि यानी वृष राशि यहाँ आ गई। तो वृष राशि के सूर्य बुद्ध 7 जून के बाद से 15 जून तक जब तक बुद्ध यहाँ सूर्य यहाँ रहेंगे तब तक वाह वाह होगी। तो ये राशि भी जो है अच्छी फिर आगे यहाँ आ जाएंगे जब यहाँ पर इस राशि में, ये राशि तीसरे भाव यहाँ होगा, तीसरे भाव में मतलब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो कर्म स्थान में आ जाएंगे। तो भाई कन्या राशि का भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऐसा लाभ हो रहा है, मतलब शनि से भी, बृहस्पति से भी, बुध से भी। बृहस्पति तो देखो पहले भाव में होंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बृहस्पति और राहु ये यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ मतलब ये अच्छा उतना भाव नहीं है, लेकिन यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की और राहु की वो धन भाव को पड़ेगी। तो बृहस्पति की दृष्टि से जो है धन धान धन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे गुड़ धन मिल सकता है, गुप्त धन मिल सकता है, यहाँ पर जो है कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है धन भाव पर तो धन तो आएगा ही आएगा।
तो भाई कन्या राशि के लिए भी मैं बता रहा हूँ, माता लक्ष्मी की कृपा से कल से ही पूर्णमासी पर माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा मिलेगी। तो मेष के साथ साथ दूसरी राशि कन्या राशि, ये भी करोड़पति राशि है भाई, मेष कन्या। और तीसरी राशि जो बता रहा हूँ मैं बहुत भाग्यशाली, जिसको माता लक्ष्मी कृपा करेगी, वो देखिए तुला, तुला राशि के लिए सातवां ये है, तुला राशि यहाँ आ गई, सातवां यहाँ आ गया। तो यहाँ से सात गिनूँ मैं, सात से फिर आठ नौ दस ग्यारह बारह एक, यानी ये हो गया बृहस्पति का स्थान, और दो यहाँ सूर्य बुध, जो कि बुध यहाँ आ जाएंगे फिर, क्योंकि उसके बाद और इन दो तीसरा सूर्य बुध भी आ जाएंगे, बुध तो बाद में आएंगे, पहले सूर्य आ जाएंगे। तो अभी यानी तुला राशि के लिए भी देखिए, तुला राशि यहाँ पर है सात, तो छः पाँच चार, चार नंबर यानी शुक्र यहाँ होंगे। तुला राशि के लिए शुक्र कर्म स्थान में होंगे, तो कर्म स्थान के शुक्र तुला राशि के लिए कर्म स्थान में तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, तो शुक्र यहाँ बैठ करके, और शुक्र जो है चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सुख स्थान में भूमि भवन बंगला गाड़ी। तो शुक्र ही जो माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुक्र जो है कि माता लक्ष्मी का दिन शुक्र है, शुक्र को ही हम संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी, सब माता लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो शुक्र की वजह से देखिए, शुक्र जब यहाँ बैठेंगे तुला राशि के लिए, तो यहाँ भी देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, यानी पैसा आएगा, करोड़पति बनेंगे, यहाँ कर्म स्थान से और सुख स्थान को देख रहे हैं, खाली शुक्र जो है। और सात आठ नौ दस ग्यारह शनि बैठेंगे यहाँ पंचम स्थान में, शनि पंचम स्थान से लाभ भाव को देखेंगे, तो पंचम स्थान के शनि संतान को लाभ, शिक्षा में लाभ, प्रेम प्रसंग में लाभ, और ग्यारहवें भाव को देखेंगे तो लाभ ही लाभ, यानी पैसा, व्यापार से पैसा, धन भाव, क्योंकि बहुत बड़े भाई बहनों का भाव भी है, तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से पैसा, यानी बिजनेस से, आप जो भी बिजनेस करें, व्यवसाय करें उससे। तो तुला राशि को भी जो है माता लक्ष्मी की यानी शुक्र के साथ साथ शनि की विशेष कृपा मिल रही है, तो मैं तुला राशि को भी यहाँ पर अच्छी करोड़पति राशि में रख रहा हूँ। देखिए मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, तीन राशि ऐसी हो गई जो कि करोड़पति राशि है भैया। और एक राशि में देखिए और बताऊँ आपको अभी, अब मैं चर्चा करता हूँ कुंभ राशि। तो कुंभ राशि यहाँ पर है, ये कुंभ राशि यहाँ आ जाएगी, तो ग्यारहवा शनि लग्न में आ गए, कुंभ राशि में लग्न में बैठ कर शनि यहाँ देखेंगे और सामने से यहाँ सप्तम यहाँ देखेंगे, और ये कारक भाव था शनि का तो यहाँ भी देखेंगे, बड़ा परिश्रम कराएंगे, परिश्रम तो लाभ देंगे, यात्रा कराएंगे उसे लाभ देंगे। और शनि जो है सात आठ नौ दस शनि यहाँ देखेंगे कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र में तरक्की, व्यापार, नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, सब कुछ। तो भाई कुंभ राशि के लिए शनि तो जबरदस्त नहीं है, और जब कुंभ राशि ग्यारहवीं यहाँ आ गई तो बारह एक दो तीन चार शुक्र यहाँ होंगे, तो यहाँ शुक्र होंगे तो यहाँ से देखिए आपका जो भी ऋण है, कहीं से पैसा उधार लिया है बैंक से कहीं से, वो सब चुक जाएगा, आपके यहाँ से दृष्टि जाएगी विदेश भाव में, तो शुक्र जो है विदेश भाव को देखेंगे तो विदेश भाव से, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, पैसे पैसा आएगा विदेश से, नौकरी से या व्यापार से, तो शुक्र की वजह से यहाँ करा भाव चौथा। और देखिए दूसरा ये यहाँ पर है सूर्य बुध यहाँ होंगे, तो सूर्य बुध दोनों ही चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में बैठकर बुध आते तो राजयोग बनेगा, बुध यहाँ बैठेंगे केंद्र में बैठेंगे, जबरदस्त योग बनेगा यहाँ। और उसके बाद जो है सूर्य बुध फिर आगे बाद में अगली बात फिर करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी तो कुंभ राशि के लिए ग्यारह बारह एक दो और तीन, बाद में यहाँ पे आ जाएंगे बुध और 24 जून को, बुध और बृहस्पति और सूर्य 15 जून को, तो यहाँ भी पंचम भाव में संतान का भाव, यहाँ राशि आएगी कौन सी तीसरी मिथुन राशि, फिर वो यहाँ देखेंगे किसके लिए, कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए भी भाई शनि बुध शुक्र सभी लोग जो है, शुक्र तो विदेश से लाभ दिलाएंगे, तो ये भी एक करोड़पति राशि है। मैं कहता हूँ चार राशियाँ जो मैं बताई, चार राशियों में देखो मेष कन्या तुला कुंभ, ये क्या है, ये चारों राशियों के जातक करोड़पति हैं,
ये करोड़पति राशियां हैं, मतलब इनको बिजनेस करते हैं, अगर ये व्यापार करते हैं तो ये करोड़पति बनेंगे, यानी खूब पैसा कमाएंगे। आपके नौकरी पैसा वाले भाई उनको तो फिक्स सैलरी, उनकी बात कैसे कर सकता हूँ। करोड़पति हर आदमी नहीं बनेगा, वो कहता इस राशि का मेष राशि का हर आदमी करोड़पति, भाई कैसे? एक भिखारी भी है जो कि मेष राशि का है, वो कैसे करोड़पति बन जाएगा? जाना से आपका जो काम है उसके हिसाब से देखिएगा। अब लखपति काम है आपका तो करोड़पति में तरक्की हो जाएगी, करोड़पति काम है बिजनेस तो आपका अरबपति हो जाएगा, तो उसी हिसाब से बनेंगे। इसलिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा कि ऐसा आपने तो बताया था करोड़पति, हम तो कुछ नहीं। भाई आप हैं क्या, क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो आपकी मेष राशि है, तो करोड़पति कैसे बन जाएंगे? कोई बैंक थोड़ी लूट रहे। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये राशियां वाले जो कि इस ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो कि लखपति हैं वो करोड़पति बन जाएंगे, जो हजारपति हैं वो लखपति बन जाएंगे, जो करोड़पति हैं ऑलरेडी वो अरबपति बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रमोशन होगा, आगे स्टेज बदल जाएगा। तो मित्रों ये चार राशियां तो बहुत शुभ करोड़पति राशियां हैं, बहुत लाभ पाएंगी। तो इन चार राशियों को तो मैं बता दिया करोड़पति हैं, इसके अलावा भी कुछ राशि बताऊंगा, निराश न हो आप लोग। इन राशियों के अलावा कुछ राशियां और होंगी जिनके मैं बताता हूँ कौन सी राशियां जिनका भाग्य चमकेगा, जिनको लक्ष्मी माता का कृपा मिलेगी, जिनको थोड़ा सा नंबर दो कह सकते हैं। अब ये अगर चार राशियां नंबर वन पे हैं तो कुछ और राशियां बताता हूँ मैं, वो नंबर दो पे होंगी। वो कौन सी राशियां हैं? देखो पहली राशि है मिथुन। देखिए मिथुन राशि के लिए मैं बताऊँ मिथुन राशि का क्या हाल है। मिथुन राशि जो है यानी जैमिनी, मिथुन राशि नंबर तीन यहाँ आ गई, नंबर तीन जी यहाँ आ गई, तो नंबर तीन राशि मिथुन यहाँ आ गई। तो नंबर देखिए एक यहाँ रहा, तो राहु बृहस्पति और बुध यहाँ हो गए स्टार्टिंग में, अभी 4 जून को। तो यहाँ से बृहस्पति और बुध कहाँ है, ये राशि नंबर वन भाई लाभ भाव में है ना, 1, 2, 3 नंबर राशियां होगी। तो लाभ भाव में आ गए बृहस्पति और बुध, अभी बाद में बुध यहाँ आ जाएंगे, फिर बाद में यहाँ आ जाएंगे, यानी 24 जून को बुध यहाँ आ जाएंगे, जब सूर्य भी यहाँ होंगे, 15 जून को सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ। तो मित्रों मिथुन राशि के लिए और देखिए 3 और 4 नंबर यानी शुक्र यहाँ होंगे। शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली में धन के स्वामी माने जाते हैं, नंबर दो काल पुरुष की कुंडली में ये नंबर दो है, दो का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। तो शुक्र को देखेंगे, देखिए शुक्र की राशि जो है, जब शुक्र जो है जब मिथुन राशि तीन यहाँ आ गई तो 2 नंबर 3 2 1 1 तो यहाँ है और 2 यहाँ पर है, 2 और 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, 16 राशि यहाँ पर है। तो शुक्र की एक राशि यहाँ पर है, जब ये 3 नंबर यहाँ पर है मिथुन राशि, 3 4 5 6 7 तो 7 नंबर की राशि यहाँ होगी। तो शुक्र की राशि ही, देखिए शुक्र जो है कहाँ पर है, शुक्र धन भाव में है, उनकी राशि कहाँ, एक तुला राशि पंचम भाव में। तो धन भाव के शुक्र जो कि काल पुरुष की कुंडली के धन के देवता हैं, धन के स्वामी हैं, धन के लॉर्ड हैं, तो वो शुक्र क्या करेंगे भाई, बड़ा पैसा देंगे मिथुन राशि को भी, लेकिन थोड़ा सा उन चार राशियों से कम, पर मिथुन राशि को भी यहाँ धन भाव से, यहाँ से दूसरी राशि पंचम भाव से बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। और शनि तो देखिए जहाँ ये सातवा है, ये जो है तीसरा भाव है, तो 3, 6, 9, 10, 11 शनि तो यहाँ बैठे होंगे कहाँ पर, भाग्य भाव में, जो 11, 12, 1, 2, 3 तो जब 3 यहाँ पर है तो 11 यहाँ पर है, यानी मिथुन राशि के लिए शनि कहाँ है, भाग्य भाव में, तो भाग्य शनि भाग्य वर्धन कर रहे हैं। तो मित्रों इसलिए मैं देखता हूँ कि मिथुन राशि के लिए भी करोड़पति ही समझ लिए, या करोड़पति से थोड़ा सा नीचे कम, बड़ा शानदार योग बन रहा है, लक्ष्मी माता की कृपा हो रही है। चतुर्थ यानी 4 जून से पूर्णमासी से आप लगाइए, जो विष्णु भगवान का दिन है पूर्णिमा, तो आप लक्ष्मी माता कृपा देंगी, उसके आगे जो कृपा मिलती रहेगी। तो मिथुन राशि भी काफी अच्छा कर रही है भैया, बहुत बढ़िया। और देखिए मिथुन राशि के बाद और बताऊं मैं कौन सी राशि आएगी, देखिए मिथुन राशि के बाद मैं एक राशि लेता हूँ, देखिए मकर, मकर राशि में क्या हो रहा है।
देखिए मकर राशि के लिए दसवां नंबर यहाँ आ गया, तो ग्यारहवां नंबर यहाँ आ गया। शनि जो है आ गए धन भाव में, धन भाव के शनि धन नहीं देंगे तो क्या देंगे, और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ पर एक होगा ग्यारह बारह एक, यहाँ पर बृहस्पति और राहु बुद्ध और बाद में बुद्ध यहाँ आएंगे, सूर्य बुद्ध का राजयोग बनेगा। तो मकर राशि के लिए भी सूर्य बुद्ध का राजयोग, और देखिए ग्यारह बारह एक दो तीन, ये जो तीन मिश्रण राशि में बाद में सूर्य बुद्ध भी आ जाएंगे, 24 जून को बुद्ध भी आ जाएंगे और 15 जून को सूर्य आ जाएंगे, तो यहाँ से ग्यारहवें को भी देखेंगे, तो फिर लाभ भाव से पैसा आएगा। तो आप लगा लीजिए और ग्यारह बारह एक दो तीन चार, और शुक्र जो है मकर राशि के लिए यहाँ आ गए, देखिए ग्यारह दस दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार, यहाँ शुक्र आ गए यहाँ पर ग्यारह के लिए, नहीं मकर राशि के दस के लिए, तो चार राशियाँ आ गई। तो शुक्र यहाँ आ गए सप्तम भाव में, पति पत्नी के परिवार के कुटुंब के भाव में, और शुक्र यहाँ से लग्न को देखेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी शुक्र को, तो शुक्र यहाँ से बैठकर यहाँ लग्न को देखेंगे। लग्न भगवान जातक सुंदर निरोगी काया हिस्ट को शरीर बड़ा परिश्रम से काम करेगा अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में देखिए यहाँ चार है, चार पाँच छः सात, तो ये शुक्र की राशि तुला राशि यहाँ होगी, तो तुला राशि दशम भाव में, तो तुला और शुक्र यहाँ बड़े अच्छा बैठे हुए हैं, तो शुक्र जो है माता लक्ष्मी का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुक्र का दिन जो है, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मकर राशि को भी यहाँ पर तुला राशि बैठी होगी तो बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा, शुक्र यहाँ बैठे होंगे, तो शुक्र से बुध से शनि से सबसे विशेष लाभ मिलेगा। तो मकर राशि भी मैं कहता हूँ बहुत धनी राशि है, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, करोड़पति ही समझ लीजिए इसको, तो ये भी राशि बहुत अच्छी। तो चार मैंने वो बताई और दो ये छह हो गई मित्रों, अब देखिए और कोई राशि बचती है क्या जो कि लाभ पा रही हो, मैं देखता हूँ कौन सी राशि और कंसिडर की जा सकती है। देखिए अभी राशि एक और करता हूँ कंसिडर, वृष राशि या वृषभ राशि, वृषभ राशि भी शुक्र की राशि इसलिए कर रहा हूँ मैं, तो वृषभ राशि नंबर दो यहाँ होगी, तो नंबर दो यहाँ होगी तो सूर्य बुद्ध यहाँ होंगे सात तारीख से, वैसे तो यहाँ होंगे बुद्ध चार तारीख को, लेकिन सात तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो सूर्य बुद्ध का बुद्ध राज्य यहाँ पर। तो वृषभ राशि के लिए देखिए दो तीन चार, दो तीन चार शुक्र की राशि तो जो यहाँ मतलब ये दो हो यहाँ होगी और पाँच छः सात, पर यहाँ पर देखिए शुक्र दो तीन चार शुक्र यहाँ होंगे, तो शुक्र यहाँ बैठ करके कर्म यहाँ से देखिए भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य बढ़ाएंगे, शुक्र यहाँ बैठ कर परिश्रम कराएंगे, यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, भाई बहन से लाभ दिलाएंगे, पर शुक्र यहाँ से भाग्य वर्धन तो करेंगे। तो शुक्र यानी माता लक्ष्मी की कृपा से वृषभ राशि वालों का भाग्य वर्धन होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर है, भाग्य वर्धन होगा तो पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा तो काम अच्छा होगा, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार तरक्की होगी, तो पैसे ही पैसा आएगा। तो वृषभ राशि के लिए भी शुक्र की राशि जो है उसकी वजह से, और देखिए दो यहाँ पर है तो एक बारह ग्यारह शनि यहाँ पर है, देखिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं ग्यारह, तो शनि बहुत जबरदस्त बैठे हैं कहाँ, कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र का मतलब नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, सब प्रमोशन पैसा सब, क्योंकि शुक्र दो राशि नंबर है तो दो एक बारह ग्यारह यानी शनि की कुंभ राशि यहाँ पर दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो, दो राशि आ गई तो देखिए शनि यहाँ आ गए, शनि की कृपा मिल रही है बहुत जबरदस्त, और उतनी नहीं जितनी और राशि हुई थी, तो वृषभ भी थोड़ा सा अच्छा ही कर रही है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन मिथुन मकर के बराबर है कि ये भी अच्छा कर रही है। और एक राशि और है मित्रों, देखिए उसको बता दूँ मैं, है वो कर्क राशि, तो कर्क राशि चार पहले बताई और चार ये बताई, तो कर्क राशि के लिए क्या है, चार नंबर यहाँ आ गया, चार यहाँ आ गया तो शुक्र यहाँ खुद आ गए, शुक्र जो है चार यहाँ तीन दो शुक्र की राशि यहाँ वृषभ राशि और चार पाँच छः सात तुला राशि यहाँ पर, तो भाई कर्क राशि के लिए भी बल्ले बल्ले हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको टिक मार कर रहा हूँ, ये भी लखपति करोड़पति राशि है, क्योंकि
चार नंबर यहाँ शुक्र खुद बैठे हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं सप्तम को, और शुक्र की राशि 3-2-1 राशि यहाँ पर है वृषभ जो कि 91वें भाव में, और शुक्र की एक राशि 5-6-7 यहाँ पर है शुक्र स्थान में। तो शुक्र की राशियां भी अच्छी जगह बैठी है और शुक्र खुद अच्छी जगह बैठे हुए हैं और अच्छी जगह दृष्टि पड़ रही है। लग्न में बैठकर शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं, उनकी राशि जो है एक लाभ भाव में, एक राशि सुख भाव में है। तो भाई कर्क राशि वालों को तो शुक्र की महान कृपा मिल रही है, यहाँ से पति पत्नी के भाग को भी देख रहे हैं, व्यापार के भाग को भी देख रहे हैं, पार्टनर्स के भाग को देख रहे हैं। तो शुक्र राशि, शुक्र की कृपा कर्क को भी मिली बहुत जबरदस्त। तो मित्रों तो चार राशियां वो मैंने बताई, पहले वो यहाँ दोबारा लिख लूँ है तो, यानी जो थी 4 करोड़पति राशियां, देखिए मेष और कौन सी थी, कन्या, मेष कन्या तुला कुंभ, चार राशियां ये बताई मैंने शुरू में करोड़पति, और चार राशियां ये बताई मैंने। वृषभ को मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, वृषभ थोड़ा डाउन है, लेकिन ये दोनों टिक कर दिए हैं। तो 4 और 3 7 तो बहुत जबरदस्त, 7 राशियां जो है बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। 7 राशियों को तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिल रही है, करोड़पति लखपति योग बन रहे हैं, सुख साधन मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, नौकरी में तरक्की मिल रही है, संतान को लाभ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मित्रों। तो मित्रों ये माता लक्ष्मी की कृपा से, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लक्ष्मी कृपा करेंगी, क्योंकि पूर्णिमा को आप माता लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, गंगा स्नान करें और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें, तो बस इनकी कृपा मिलने लगेगी और लगातार काफ़ी देर तक मिलेगी, क्योंकि ये ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं और शुक्र की कृपा से, शुक्र जो माता लक्ष्मी का विशेष दिन है, कृपा पात्र है, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में माँ गणेश नंबर लिखने को। मित्रों नमस्कार।